नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास जैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंफ्यूज ट्रैवलर। जस्ट इमेजिन, इन हिमालय की वादियों में, इन हसीन वादियों में हमारी मुलाकात किससे हुई? एक ऐसी शख्सियत से जिसने टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। पूरा इंटरव्यू देखिए और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। वन एंड ओनली हेमंत पांडे। आइए मिलते हैं हेमंत पांडे जी से। इनको किसी परिचय की जरूरत तो नहीं, फिर भी लोगों की थोड़ी सी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए मैं बता देता हूँ कि हेमंत पांडे जी ने अपना करियर बहुत लंबा तय किया पिथौरगढ़ से मुंबई तक का, और काफ़ी टीवी सीरियल जिसमें से एक मेरा फेवरेट जो था वो था ऑफिस ऑफिस। तो हेमंत पांडे जी, बताइए आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं, इसकी लोकेशन और ये कब तक रेडी हो जाएगा? देखिए, मैं इसी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, लास्ट बॉर्डर इंडिया। उसके बाद चाइना नेपाली पड़ता है, वो पर्वत वाला रास्ता। और ये जगह है आपकी गुप्त काशी, रुद्रपुर गांव में, रुद्र प्रयाग जिसका जिला है। तो छोटा सा एक लैंड, जितना अपने सामर्थ्य से हो सकता था वो एक लैंड है यहाँ पे। यहाँ मैं अपने दिल का काम, जैसा मैं बचपन में चाहता था, या एक पिक्चर से मैं इंस्पायर भी हुआ था, आपको बताऊँ मैं, क्रिश पिक्चर, उसमें वो जस्ट इमेजिन वाला जो मेरा किरदार था बंद बहादुर का, उसके टैंक वैंक थे, उसका एसटीडी बूथ था। तो उस वक्त मैंने एक सपना सोचा था, मैंने कहा यार अपने पास इतना हो जाए तो मज़ा आ जाए। और वो एक सोच थी, उसको पूरा होने में बहुत साल लगे। आज उसका धरातल तैयार हुआ है, सिर्फ उसकी ज़मीन अब मैंने ली है। लेकिन जैसा आदमी जिस दिशा में सोचता है उसका वैसा मार्ग बन जाता है, ऐसा मैंने साक्षात देखा अपने साथ। चाहे आप ज़िंदगी में बुरा सोचते हैं तो बुरा ही होगा, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा। तो सोच की वजह से आज मैं ज़मीन तक पहुंच पाया हूं। मेरा सपना है कि मैं यहां पे कम से कम 50-51 लोग बड़े मज़े में रह सकें। लगभग 8 नाली के आसपास की जगह है, कुछ किराए पे है, कुछ खरीदी है। तो ये लगभग 1000 से ऊपर का स्क्वायर फीट की जगह है, जिस पर अभी काम चल रहा है। जैसे जितने पैसे थे वो सब लग गए हैं। अब इसमें सरकारी योजनाएं आती है, जिला उद्योग केंद्र है, उस पर मैं अप्लाई करूँगा कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए, मतलब इतना आराम से सपना सच हो जाता है। और सरकार की नीति अच्छी है कि नहीं है, या है भी कि नहीं है, उसका भी पता मुझे लग जाएगा, या औरों को भी पता लग जाएगा। तो मैं अभी इसके लिए इसका प्रोजेक्ट बना रहा हूँ गवर्नमेंट का, और उसको मैं उनको दूंगा। उसमें सुना है कि सब्सिडी भी मिलती है और थोड़ा मोहलत मिलती है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों की योजनाएं हैं लोगों को रोज़गार देने के लिए। वो धरातल पे हैं कि नहीं वो भी मुझे इसी धरातल से पता लग जाएगा। तो मैं बड़ा उम्मीद मान के बैठा हूँ। और आपको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा। सबसे बड़ी बात है कि इतना नज़दीक हेलीपैड। मैं गाँव का रहने वाला हूँ, गाँव में बहुत मुसीबत होती है, समस्या होती है, लेकिन वो भाग्यशाली लोग हैं, वो उस गाँव के लोग जिनके नज़दीक ऐसा हेलीपैड, अगर वो सामर्थ्य मान सकते हैं। ऐसी सुविधा मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के पूरे मध्यम राज्यों में हर जगह ऐसी हो, ताकि पहाड़ के लोगों को जो तकलीफ होती है, जो रास्ते में ही बैठ हो जाती है, जो 8-8-10-10 घंटे का ट्रैवल होता है, तो वो तकलीफ ना हो। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि उसमें ऐसा देश खोलेगा वो बात में, छोटा सा एक फोन खुलवा रहा हूँ, उसमें हो सकता है मच्छी पालूंगा। और गर्मियों में मच्छी अगर का ये सक्सेस हो गया तो फिर इस पर और सोचूंगा कि छोटा सा और एक पॉट जिस पे स्विमिंग टाइप भी हो सके कम पानी के साथ साथ। और ये मेन रोड है, आगे काम कर रहा है, ये जैसी जगह आप गिरे ना तो इधर से आइए। डाली बैठ गए सब ले रूम लेके लो, यहाँ से ले लीजिए। रमन जी, कब तक तैयार हो जाएगा, कब से यहाँ पर टूरिस्ट आना स्टार्ट हो सकता है? अभी तो स्थिति ये थी कि जितने पैसे थे उतने हो गए। अब इसमें अब अपने पास शूटिंग नहीं होगी, जब जब तो मैं इधर आऊँगा लेबर मिस्त्री को लगे रहेंगे, तो कम पैसे में जो जो इसका श्रृंगार हो जाए वो मेरा मकसद है। बाकी तो कोई उम्मीद है कि मैं अगले सीजन इसको ले आऊँगा, यानी 2022 की शुरुआत हो या मैं 2 साल पूरा। हेमंत पांडे जी जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ बना रहे हैं,
इसे एक रिजॉर्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं जो करीबन 50 से 60 लोगों की कैपेसिटी का होगा। महानगरों और मेट्रो सिटीज से जो लोग अपने वर्कलोड से थक जाते हैं और चाहते हैं कि हिमालय की गोद में कहीं आकर एक शांतिपूर्ण माहौल में रहें, तो उनके लिए इससे बेटर जगह नहीं। जस्ट इमेजिन कि कैसा ही रहेगा। थैंक यू, आप सबकी शुभकामना चाहिए और आप सबके साथ कैसा ही कैसा आप सोचते हैं वो आपके साथ पूर्ण हो, और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अच्छा ही सोचे तो हर कुछ अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से सोचते हैं। आखिरी में सर एक बार बस मेरा फेवरेट डायलॉग हो जाए, दो बातें होंगी। पांडे नहीं पांडे जी बोलो।